नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सोना आपका अपने YouTube चैनल यू एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जो राशिफल हम तैयार करते हैं, यह गोचर और चंद्रमा की करंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसका प्रभाव जातक के जीवन में एक लिमिट तक पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव उसके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करते हैं। दशा और अंत दशा की कैलकुलेशन इसमें बहुत महत्व रखती है। हमारी कोशिश होती है कि कैलकुलेशन बेस्ट से बेस्ट कर सके, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल डालकर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम ये सेवा निःशुल्क प्रदान करते हैं। वृषभ राशि, आइए जानते हैं वृषभ राशि के बारे में विस्तार से। स्वामी शुक्र, मनपसंद रंग सफेद। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रारंभ से ही कुछ परेशानियां और समस्याएं लेकर आ सकता है। खास तौर से व्यापारी जगत के लिए समझदारी बरतने की जरूरत है। कर्ज बढ़ने की संभावना है। कोई नया व्यापार आपके लिए कुछ नई परेशानियां लेकर आ सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि कुछ वाहन आदि का प्रयोग इस सप्ताह कुछ कम करें, साथ ही अपनी कीमती सामानों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ असावधानियों का योग बना हुआ है। कोई पुराने कर्ज की उदाई उजागर हो सकती है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। यह सप्ताह थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। पढ़ाई में मन विचलित होने के योग हैं, साथ ही वे अपना टाइम नकारात्मक कार्यों में व्यतीत कर सकते हैं। अगर कोई रिसर्च कुछ खोज कर रहा है तो अच्छे परिणाम तक पहुंच सकता है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय नहीं है और कुछ पुराने संबंध सामने आने की संभावना बनी रहेगी। सप्ताह का मध्य और अंत कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे यात्रों की संभावना बढ़ेगी। परिवार को लेकर किसी अच्छी तीर्थ स्थान पर जाने के योग बनेंगे। साथ ही व्यापार के लिए यह काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर कहीं बाहर से पैसा आने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह सप्ताह के अंत में संभव है। भाग्य उदय होने के योग बने हुए हैं। विदेश यात्रा के लिए भी यह काफ़ी शुभ है। अगर आप कोई विदेश निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मनपसंद शिक्षा के योग बनेंगे एवं भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप लोहे व लकड़ी के व्यापार में हैं तो सप्ताह के अंत में आपको एक लाभदायी हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं उपायों की। देखिए दोस्तों, हमें बहुत मेल्स और फोन कॉल्स आती हैं उपाय के विषय में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर कुंडली का उपाय उसकी दशा और अंत दशा के हिसाब से बताया जाता है। और अगर हम कॉमन उपाय बताएंगे तो यह आपके लिए किसी भी तरह से लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। उपाय राशि के हिसाब से नहीं, बल्कि जो ग्रह आपके खराब हो उसके हिसाब से करने चाहिए। अगर फिर भी आपके कार्य नहीं बन रहे
तो आप किसी गरीब को भोजन करवाएं या किसी बीमार व्यक्ति की मदद करें और रोज भगवान का शुक्रिया अदा करें कि इस जीवन को प्रदान करने। देखिए मित्रों, हमारी कोशिश यही है कि ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी या कोई गलत मैसेज समाज में ना पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश और हमारी संस्कृति को गलत नजरिए से देखा जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्योतिष से जुड़े कुछ नए वीडियो आपके लिए बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सप्ताह शुभ रहे।